ऐसा कह रहे हो, समझा ना बराबर से, पक्की बात। तो आओ पहला फॉर्मेट एक बार वापस बता दो आपको। देखो डायरेक्ट मटेरियल हमको समझ गया, इसके बारे में किसमें लिखा हुआ है, नोट वन के अंदर हमने लिखा है, इसके बारे में नोट टू में लिखा हुआ है, इसके बारे में हमने नोट थ्री में लिखा है, इसके बारे में हमने नोट फोर में लिखा है, इसके बारे में हमने नोट फाइव में लिखा है, इसके बारे में नोट सिक्स में लिखा है, और इसके बारे में भी नोट सिक्स में लिखा है आपने, नोट सिक्स में लिखा है। बराबर, कोई शक कोई डाउट? यहाँ तक तो लिख लिया अपने। अब यहाँ पे एक ही चीज है, तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री वर्ड ऐड किया तो वर्क कॉस्ट बनती है। इसको वर्क कॉस्ट क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट एज वर्क कॉस्ट? बिकॉज वहां तक हमने खर्चा किया ही है, बरोबर, काम करने का खर्चा मिनिमम, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड हमारा काम करने का खर्चा है, वो उतना तो लगेगा। आगे देखो और अच्छे से समझेगा अभी। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस साल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बरोबर, ये मेरी मशीन है, मशीन में सब मैंने जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल लेबर सब डाला, उससे फिनिश गुड्स बना, बन के सब बाहर निकल गया, थोड़ा सा अंदर बचा, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, करेक्ट। अब वो फिनिश गुड्स तो बना नहीं, बरोबर, अगर वो फिनिश गुड्स नहीं बना है तो उसकी क्वांटिटी तो मैं पता नहीं कर सकता हूं, और अननेसेसरली वो मेरी जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो मैंने क्या किया, वो इनकम्प्लीट वाली चीजें हटा दी। जैसे बंदे को शादी वगैरह में कभी आप जाओ, मिठाई बनती है तब देखो वहां पे बनाते हैं। मेरी फेवरेट मिठाई, वन ऑफ देम इज, वैसे तो सभी फेवरेट है मिठाइयां मेरी, पर समझ रहे हो, पे एक जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, काजू कतली, असली वाली, यार मिलावटी वाली नहीं, जो सिंगदाना डाल के मिलावट करके बनाते हो वाली काजू कतली नहीं, असली वाली काजू कतली, प्योर काजू कतली। आप उसको बनते हुए देखो, तो जब वो बनाता है ना तो उसको कट करता है, कट करने के बाद जो साइड में छोटे छोटे पीस बच जाते हैं उनको अलग निकाल देता है, बराबर, तो उसको बराबर समझता है कि कितने पीसेस बने, करेक्ट। वैसे ही हम लोग जब अभी हमको एक्चुअली में बने जो यूनिट उनकी कॉस्ट पता करनी है, तो जो मैंने एंड में मटेरियल डाला और जो फिनिश गुड्स नहीं बना, उस पर एक सीधी इवैल्यूएशन का सिस्टम होता है कि मैं एक बार मशीन में एक साथ 20 किलो मटेरियल डालता हूँ, उसको बनने को 15 दिन लगते हैं, फिनिश गुड्स बनने को 15 दिन, उस पर लेबर काम करता है, 15 दिन की बिजली चलती है, सब पता है मेरे को, समझो। अभी 31 मार्च आ गई मेरी, और 31 मार्च तक मैंने उस पर सिर्फ 5 ही दिन काम किया, बराबर, मटेरियल पूरा डाल दिया, खाली काम पूरा मैंने कितना किया, 5। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस को मैं कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो जो मैंने एंड में मटेरियल डाला वो नहीं इंक्लूड करूंगा, जो 5 दिन की वेजेस है, 5 दिन का ओवरहेड्स है, वो उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। वो हो गई कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो मशीन में अटका हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन जो चालू हो गया पर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं उसका वैल्यूएशन कैसे करूंगा, जो लास्ट लॉट मैंने मटेरियल का डाला था जिसका अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है, डालने के बाद कितनी वेजेस, कितने दिन की वेजेस उस पर गई, कितने मेरे ओवरहेड्स उस पर इनकर हो गए, जो मेरा सिस्टम है बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसको मैं जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें से माइनस कर दूंगा। तो मैंने जो फैक्ट्री में खर्चा किया, मटेरियल जो डाला, लेबर जो डाला, पूरा जो किया, उसमें से जो वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है माइनस कर दूंगा, तो जो बची हुई कॉस्ट रहेगी वो खाली फिनिश गुड्स की कॉस्ट रहेगी। वेरी क्लियर, समझे? हाँ या ना? पक्की बात। अब एक और ध्यान से बात सुनो, अब जैसे मैंने इस बार का क्लोजिंग माइनस किया, तो ये जो इस बार मेरे मशीन में अटका हुआ है, जो मैंने हटा दिया, अभी अगले साल के प्रोडक्शन में जाएगा, तो अगले साल जो भी मैं इसमें लेबर पे काम करूंगा, जो भी ओवरहेड इनकर होगा, सब इसमें ऑटोमेटिक ऐड कर दूंगा, तो मेरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट में चला जाएगा। मतलब अगले साल स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत लेबर काम करेगा, जो थोड़ा बहुत मेरा ओवरहेड्स का खर्चा इनकर होगा, वो सब खर्चा मेरा इसके ऊपर इनकर होगा, बराबर, पर वो तो खाली बैलेंस पार्ट ही इनकर होगा। तो मैं अगले साल क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, तो ये अधूरा जो मैंने इस बार हटा दिया, अगले साल ऐड होगा, तो अगले साल पूरा फिनिश गुड्स बन जाएगा, करेक्ट। तो सीधा रूल क्या बना, इस बार के खर्चे में से जो इस बार मशीन में अटका हुआ है वो माइनस कर दो,
बराबर, और उसको अगले साल ऐड कर दो क्योंकि अगले साल उस वो फिनिश गुड्स बन जाएगा तो बचा हुआ एक्सपेंस उस पर इंकर होने वाला है, समझे? बराबर से तो आपके दिमाग में ना ऐसा लॉजिक चलना चाहिए, जैसे मशीन दिखनी चाहिए, मशीन में सब डाला अपन ने, जो बचा हुआ है वो निकाल दिया, वो अगले साल ऐड किया क्योंकि अगले साल उस पर बैलेंस खर्चा हुआ। देखो पढ़ाई का बेस्ट पार्ट होता है इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग रहती है ना, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो दिखना चाहिए। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ ना, मुझे एक्चुअली में मशीन दिखती है सामने, उसमें मटेरियल डालता हुआ दिखता है, उसमें एक लेबर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली सब चल रही है, सब दिखता है मेरे को। तो इमेजिनेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न टू बाय हार्ट थिंग्स। बराबर आपको समझाया मैंने जो समझाया, मतलब इस बार जो टोटल खर्चा हुआ, जो मैंने इस बार पूरा मटेरियल डाला, लेबर डाला, उसमें से मुझे पता है लास्ट लॉट में जो मटेरियल डाला, लास्ट लॉट पे लेबर ने 5 दिन काम किया उसकी वेजेस, लास्ट लॉट पे जो 5 दिन में बाकी खर्चा हुआ वो सब ऐड कर दूंगा तो मेरा वो पार्ट दैट विल बी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, करेक्ट? अब इसमें जो मैंने इस बार सब डाला वो कुछ पिछले साल का इनकम्प्लीट उसके ऊपर भी डाला होगा तो लास्ट ईयर का इनकम्प्लीट ऐड कर दूंगा, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ या ना? तो मेरी एक्चुअल फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ प्रोडक्शन के लिए, फिनिश गुड्स के लिए पता चलेगा। अब उसमें जो नीचे एक्सपेंस दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग, जो प्राइमरी पैकिंग रहती है जो बिना उसके आप गुड्स दे ही नहीं सकते हो, बराबर, लेस स्क्रैप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले जमाने में आपने डीवाई अकाउंट में भी पढ़ा होगा ये सब पहले ओवरहेड्स में से लेस होता था, पर अभी कहाँ से लेस होता है, फैक्ट्री कॉस्ट में से, ओवरहेड्स में से लेस नहीं होता, पहले किसमें से लेस होता था, ओवरहेड्स में से, अभी किसमें से लेस होता है, फैक्ट्री कॉस्ट में से, बराबर, समझे? कोई शक कोई डाउट यहाँ तक समझा? अब ये जो खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे तो ही लिखने, नहीं तो नहीं लिखने, फैक्ट्री का खर्चा हो गया, इसके अलावा जो खर्चा लगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, ये अपना क्वालिटी कंट्रोल हुआ, मतलब क्वालिटी चेक कर रहा है फिनिश गुड्स बनने के बाद, एक आदमी है जो रोज चेक करता है बराबर बना कि नहीं, बराबर बना कि नहीं बना, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल खर्चा, बराबर। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है प्रोडक्शन में तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, बराबर, पर वो इट शुड बी रिलेटिंग टू अवर प्रोडक्शन प्रोसेस, जिस प्रोडक्ट की हम लोग कॉस्ट शीट सब बना रहे हैं। वेरी क्लियर? कोई शक कोई डाउट? और बेसिक प्राइमरी पैकिंग जो लगती है, बिना उसके गुड्स जा ही नहीं सकता है वो, हाँ या ना? ये सब ऐड करेंगे तो ये सब प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया तो बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सब ऐड किया अपन ने तो बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये एक्चुअल फिनिश गुड्स को बनाने का खर्चा, बराबर, ये मैंने बनाया इस बार, कुछ मेरे पास पिछले साल का बचा हुआ है, पिछले बार का बचा हुआ है, इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, इन दो को ऐड करता हूँ ना तो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों को ऐड करूंगा तो अवेलेबल हो गया, इसमें से क्लोजिंग माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने बेच दिया। एक्चुअली ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका असली नाम पूरा ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बेचे उसका प्रोडक्शन का खर्चा कितना। देखो मैंने जो बनाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो समझ गया फिनिश गुड्स का, कुछ पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ इस बार का बनाया हुआ, कुछ पिछले साल का ला के रखा, तो एक टोटल अवेलेबल हो गए फॉर सेल, बराबर, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों को, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल 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 फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल, बराबर, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर दो तो एक्चुअल सोल्ड पता चलेगा, तो उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका पूरा नाम होता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसको बनाने का खर्चा। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स जो बेचे उनको बनाने का खर्चा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड का बनाने का खर्चा, हाँ या ना? वेरी क्लियर? पक्की बात? कोई शक कोई डाउट? समझ में आया? पक्का? सोच लीजिए एक बार, समझ में आया? पक्की बात? समझा सबको? क्लियर? यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्चुअली नाम क्या है, जो गुड्स बेचे उसको बनाने का, तो पूरा नाम क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर, समझे? हाँ या ना? अब जो हमने गुड्स बेचे उसके बनाने का खर्चा पता चल गया मुझे, पर वो बेचे वाले गुड्स को बनाने का तो खर्चा पता चल गया, पर उनको बेचने के लिए तो खर्चा लगेगा,
अगर वो बेचने का खर्चा आप ऐड कर देते हो उसमें, तो बन जाता है कि सेल का खर्चा, कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल किया उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। रेवेन्यू क्या है? सेल। रेवेन्यू क्या है? सेल। ये देखो रेवेन्यू क्या है? सेल। ये सेल का कॉस्ट ये है, कॉस्ट ऑफ सेल। सीता ऑफ राम, राम की सीता, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेल की कॉस्ट। बरबर हाँ या ना? बरबर डैश डैश की डैश समझे? बरबर से पक्की बात, ये समझ में आया? वैसे तो अपने पास बहुत सारे नाम हैं, अपन बहुत सारे नाम ले सकते हैं इसकी वो उसकी ये, पर नहीं अपन नहीं बोलेंगे पब्लिकली, नहीं गलत बात ऐसे नहीं बोलने का। हम उनको चाहिए तो सिर्फ अंकल अंडी की भाषा में डिनोट करने का, बस और कोई भाषा नहीं, बस 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 बस। बरोबर समझे? पक्की बात। अच्छा अभी वापिस आओ एक बार, मैंने आपको सबका मीनिंग समझाया। इसके वर्ड्स के मीनिंग समझने बहुत जरूरी है, नाम से सब पता चलता है, समझे आप? यहाँ तक तो आपको समझा, ये जो फिनिश गुड्स है उसका फैक्ट्री में खर्चा कितना हुआ, यहाँ पे तो ये खर्चा सबके लिए हुआ, जो मशीन में अटका हुआ है उसके लिए भी और जो बन गया उसके लिए भी, अटके हुए वाले का कॉस्ट माइनस कर दिया और जो पिछली बार अटका था इस बार बन गया होगा उसको ऐड कर दिया, तो फैक्ट्री कॉस्ट बन गया। इसमें अदर एक्सपेंसेस लिखे जो प्रोडक्शन रिलेटेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्या पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा नाम क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उनका बनाने का खर्चा, उसमें उनके बेचने का खर्चा ऐड कर दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरा कोई खर्चा, तो जो सेल हुआ उसका टोटल खर्चा, जो सेल करने के लिए टोटल खर्चा लगा, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गया, बेचने का खर्चा भी आ गया। बरबर हाँ या ना? ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन प्लस बेचना दोनों, प्रोडक्शन कॉस्ट ये रही, बेचने का खर्चा ये रहा, दोनों को ऐड किया तो क्या बना? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बरबर पक्की बात, सेल करने का खर्चा, जो सेल हुई उसका टोटल खर्चा, इसको मैं टोटल कॉस्ट बोलूं तो भी गलत नहीं हूँ, ये इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बरबर हाँ या ना? अब आप गौर करो, ये दो एक्सपेंस नहीं दिए हमको, समझो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम हो गई। वैसे ही अगर मुझे ये बीच के एक्सपेंस नहीं दिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो गया? सेल। वेरी क्लियर, समझे क्या? ये वर्ड्स के मीनिंग समझे आपको? पक्की बात, वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया सबका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा नाम क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड, जो यूनिट बेचे उसको बनाने का खर्चा, बेचे हुए यूनिट को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बने फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बने उनका खर्चा। बरोबर, जो इस साल बने उसमें आपने ओपनिंग बने हुए ऐड कर दिए तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से क्लोजिंग माइनस किया तो एक्चुअल जो सोल्ड हुए उनकी कॉस्ट। बरोबर, उसमें आपने सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह ऐड कर दिए तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बरोबर पक्का, कोई शक कोई डाउट? अच्छा फैक्ट, जो स्क्रैप रहेगा वो कहाँ से लेस होगा? फैक्ट्री कॉस्ट से। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा तो फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे, अगर नहीं रिलेटेड रहा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। पक्की बात, समझा क्या? पक्का थोरली भेजी में बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जानी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं अपने दिमाग में आना चाहिए, जो गुड्स बेचे उनको बनाने का खर्चा। बरबर समझे? मतलब अगर मैं गौर से बोला जाए तो मैं इतना बोल सकता हूँ, ये जो यहां से खर्चा लगा ये यहां से, ये यूनिट सोल्ड के है और ये ऊपर वाला जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के लिए है। बरोबर, ये किसके लिए है? क्वांटिटी सोल्ड, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। बरोबर, ये क्वांटिटी सोल्ड के लिए है और जो प्रोड्यूस तक है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के लिए है। हाँ या ना? बरोबर, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के लिए है, इसके नीचे क्वांटिटी सोल्ड के लिए है, इसकी तो ओपनिंग स्टॉक की अलग क्वांटिटी रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक की अलग क्वांटिटी रहेगी, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आएगी। यहाँ तक सबको किससे डिवाइड करना है?
क्वांटिटी प्रोड्यूस से, बराबर इसके नीचे यहाँ से सबको किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी सोल्ड से, तो पता चलेगा कॉस्ट पर यूनिट। इसको ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी से डिवाइड करना है, इसको क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से डिवाइड करना है। वेरी क्लियर, यहाँ तक का पूरा खर्चा किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। यहाँ से नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसके नीचे यूनिट सोल्ड से, इसको ओपनिंग स्टॉक से, इसको क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से। ये याद रहेगा, इसको रोज सुबह शाम उठ के बोलो तो याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। समझे पक्की बात, सब वर्ड के मीनिंग समझे, जो मैंने आपको अभी बोला इतना, इसको है ना चार पांच बार बोलो। जैसे मैंने कॉस्ट शीट का एनालाइज करके बताया ना, ये वर्ड ऐसा होता है, इसमें ये माइनस लेकर ये एड्स लेकर किधर अटक जाते हो, कोई वर्ड याद नहीं आता है, वापिस ये वीडियो देखो, बराबर ना, ये वीडियो देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलो बार बार तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। ये सेव होगा फिर मैं आगे लिखवाता हूँ नोट। अभी तो बाकी है, बहुत बाकी है, अभी इतना जल्दी थोड़ी होएगा, बराबर आ जाओ इतना करके।